जनपद जालौन में 15 अगस्त को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी जानकारी आज जिलाधिकारी जालौन ने दी है, जिसमें बताया गया है कि पहली बार 2,20,000 तिरंगा एक साथ फहराए जाएंगे। जनपद जालौन के उरई नगर क्षेत्र में स्थित टाउन हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर प्रियंका निरंजन ने आज इसका विधिवत पूजन अर्चन कर शुभारंभ किया, जिसमें बताया गया कि जनपद जालौन में आने वाले 15 अगस्त को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है, जिसमें जालौन के इतिहास में पहली बार 2,20,000 तिरंगा एक साथ फहराए जाएंगे। आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा बुंदेली संस्कृति और कलाकारों की कला को संजोने का काम भी किया जाएगा। देखिए, आज बुंदेलखंड की लोक संस्कृति को, लोक धरोहर को संरक्षण करने के उद्देश्य से टाउन हॉल सभागार में बुंदेली लोक उत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे जनपद के स्थानीय कलाकारों को और उनकी कला को संरक्षण और प्रोत्साहन और सम्मान प्रदान किया जाएगा, ताकि उन्हें भी एक मंच मिले अपनी कला के प्रदर्शन का। इसके साथ ही जो शासन की तरफ से हर घर तिरंगा की यात्रा जो प्रारंभ की गई है, उसका भी आज यहाँ शुभारंभ किया गया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम हर घर में तिरंगा लहराएंगे और हर घर, हर प्रतिष्ठान, हर स्थान, कोई भी स्थल हो, सभी पर ये तिरंगा हमारे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लहराया जाएगा, ताकि सभी लोग राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित कर सकें। ये कार्यक्रम अभी से प्रारंभ हो गया है और यह हमारे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तक चलाया जाएगा। इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर जनपद जालौन में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है, जिसके तहत जानकारी जो सामने आ रही है कि इस बार जो है अमृत महोत्सव में तिरंगा काफ़ी मात्रा में फहराए जाने पर, क्या है पूरा मामला थोड़ा सा बताया जाए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर में तिरंगा जो है लहराया जाएगा। इसके लिए जनपद जालौन में भी आवश्यक तैयारियाँ की जा रही हैं। सभी खंड विकास अधिकारियों और जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और लोगों के बीच में भी ये जागरूकता जो है की जा रही है कि इस बार जो आज़ादी का जो कि 75वें साल है और हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है, तो इसको हम एक पर्व के रूप में मनाएं और उत्साह से उसे मनाएं उसको, और अपने घर पर हम तिरंगा जरूर लहराएं। मैम, कुल कितना तिरंगा, कितने संख्या में तिरंगा फहराए जाएंगे, उसको लेकर किन किन विभागों को क्या क्या जिम्मेदारियाँ दी गई हैं? इसमें हमने जो हमारा NRLM है उसको भी शामिल किया है कि जो महिलाएं हैं वो भी इसी तिरंगे तैयार करना शुरू करेंगी, और इसके साथ ही हमारे सभी खंड विकास अधिकारियों को, ग्राम विकास विभाग को और सभी विभागों को जिम्मेवारियाँ की गई। प्रत्येक, चाहे प्राइवेट प्रतिष्ठान हो या सरकारी प्रतिष्ठान हो, चाहे किसी का व्यक्तिगत घर हो, प्रत्येक जगह तिरंगा जो है वो फहराया जाएगा। नमस्कार, आप देखें न्यूज़ बीटी, मैं हूँ आपका प्रदेश। जनपद जालौन में इस बार स्वतंत्रता दिवस एक ऐतिहासिक रूप में मनाया जाने वाला है। जी हाँ, सच कह रहे हैं। इसको लेकर हमने जब जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर प्रियंका निरंजन से बात की, तो उनका कहना यह था कि पूरे जनपद में इस बार 2,20,000 से अधिक तिरंगा फहराए जाएंगे। इसको लेकर सारे विभागों को उनकी उनकी जिम्मेदारियाँ तय कर दी गई हैं और प्रशासन के स्तर पर तैयारियाँ भी पूरी कर ली गई हैं। जनपद जालौन के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है जब आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये इतना बड़ा कार्यक्रम होगा, क्योंकि जनपद जालौन में अभी तक के इतिहास में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है कि एक साथ इतने सारे तिरंगा फहराए गए हों। लक्ष्य के हिसाब से बात की गई है तो 10 जो है ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ पर 942 ग्रामों में ये इस लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। उसको लेकर आपके हर विभागों को एक अलग जिम्मेदारी दी गई है, और सरकारी जो है विभाग के जो दफ्तर हैं उन पर भी, प्राइवेट वहाँ दफ्तर हैं उन पर भी, विद्यालय हैं या और जो घर हैं, सब पर इस बार जो है तिरंगा ऐतिहासिक रूप से फहराने वाला है। यानी जनपद में इस बार 15 अगस्त को 2,20,000 से अधिक तिरंगा फहराए जाएंगे, जो एक अपने आप में इतिहास होने वाला है। PK University, build a great career at PK University. Admission open for medical science, B-Pharma, M-Pharma, BSc, B-Tech, M-Tech and Polytechnic diploma. Contact now. www.pkuniversity.edu.in. Address: Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. आधुनिक दौर में बेहतर शिक्षा का एक ही विकल्प, मून इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मॉड झांसी। स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस टीचर्स, इंटरनेशनल गेम्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा एंड जिमनेजियम, म्यूजिक एंड डांस क्लासेस, एडवांस लाइब्रेरी, स्मार्ट कंप्यूटर एंड साइंस लैब सहित अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण एक मात्र विद्यालय मून इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कानपुर रोड मॉड झांसी। कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, BSc कृषि BA, BEd BCom, BSc बायोमैथ,
क्राम धवाकर मऊरानीपुर झांसी।